हाँ सर, आपको कहाँ जाना है? हेलो, हाँ हम अभी रायगंज जा रहे हैं। खास काम से? हाँ, कोई काम था, दुकान के पास जाना है। दुकान के पास जाना है। अच्छा, जाना ही होगा। तो चलिए, आज हम लोग रायगंज के लिए सफ़र का आगाज किए हैं और अभी यहाँ टूनिंदगी में अभी हम लोग है, बस का इंतज़ार कर रहे हैं। बाइक से भी जा सकते थे लेकिन धूप बहुत तेज है, इसलिए हम लोग बाइक से नहीं निकले आज। तो आज हम लोगों का मन है कि नहीं, आज हम लोग बस में ही सफ़र करेंगे। तो बस का वेट कर रहे हैं यहाँ पे, एक बस तो निकल गया, अब दूसरे का वेट कर रहे हैं। वैसे भी आमिर खान का है, तीन चीज़ के पीछे नहीं भागना चाहिए। तो हम लोग भाग तो नहीं रहे हैं लेकिन बस खाली वेट कर रहे हैं। बस का एक गई तो दूसरी आई, हमारी बस भी आ गई। चलिए बस में जाते हैं फिर बैठेंगे। हाँ, तो हम लोग अभी बस में बैठ गए हैं, जा रहे हैं तीनों भाई साहब। हम लोग आए, चल रही है बस, बस तो काफ़ी तेज चल रही है। खास काम से जा रहे हैं, सरप्राइज है, आगे दिखाएंगे आप। क्या बॉडी है, क्या काम से जा रहे हैं, क्या बॉडी है, क्या देखिए बॉडी, देखिए मॉडर्न खाके काफ़ी बॉडी बना रहे हैं, बॉडी तो इसका है। तो हम लोग जो है तो अभी ये रायगंज पहुँच गए हैं। रायगंज हम लोग तो पहले ही पहुँच गए थे लेकिन हम लोग वहाँ जो वीडियो शूट किए तो वो पुलिस वाला पकड़ लिया था हम लोग को, तो वो हमारा जो है तो वीडियो को डिलीट करवा दिया और बोला कि यहाँ वीडियो शूट अलाउड नहीं है, इसलिए हम कि वो वीडियो नहीं डाल सकेंगे, वो वीडियो नहीं डाल सकेंगे, इसलिए वो क्लिप कट हो गया है। और अभी हम लोग फिलहाल मार्केट में, तो यहाँ तो अलाउ हो ही सकता है लेकिन ये भी कन्फर्म नहीं है। फिर अगर पकड़ जाएगा आके, हाँ फिर अगर पकड़ ले तो वो भी झमेला है, फिर वीडियो डिलीट ना कर दे, वो पिछले वाला वीडियो डिलीट कर दिया मेरा। तो हम लोग वहाँ सिलीगुड़ी मोड़ में जो है तो वीडियो अलाउ नहीं था, हम लोग सिलीगुड़ी मोड़ में उतरे थे वहाँ पे, तो बनाए तो वो आकर के पीछे से पकड़ लिया, बोला कि यहाँ वीडियो अलाउ नहीं है, यहाँ वीडियो नहीं बना सकते हम, तो हम लोग छोड़ दिए। फिर पुलिस वाला पकड़ के लेकर के गया वहाँ जा कर के, फिर स्टाफ से चेक करवाया और वीडियो फिर हमारे मोबाइल में देखा, उसके बाद फिर बोला वीडियो अलाउ नहीं है, आप वीडियो को डिलीट कर दिए। फिर हम लोग का फिर एक फ़ोटो भी लिया। रायगंज में ये मॉल है, देखिए विशाल मेगा मार्ट नया ओपन हुआ है। और एक आपको और दिखा रहे हैं, ये तो हाल फिलहाल में ही हुआ है, इसमें हम लोग विज़िट किए हैं। जब भी आप आए तो इसमें ज़रूर विज़िट कीजिएगा, ये मॉल काफ़ी अच्छा है, दिखा रहे हैं अभी आपको। ये मॉल है, ये मॉल नया ओपन हुआ है, हम लोग कुछ दिन पहले आए थे तो ये उस वक्त इसका काम चल रहा था, लेकिन अब जो है तो ये अब ओपन हो गया है फाइनली। ये पूरी तरह से ओपन है, बिल्कुल शहर की तरह लग रहा है ये मॉल ओपन होकर के। ये अमर सबरारा का यहाँ पे इमेज लगा हुआ है, पुतला बना हुआ है। ये यहाँ पे देखिए रायगंज में ये होटल है, काफ़ी अच्छा है, हम लोग इसमें भी विजिट किए हैं एक बार। और होटल चल रहा है, हाँ यहाँ आपको टाइटन का चश्मा मिल जाएगा, आप चेक करके आप लोगों को चश्मा दिया जाएगा, अगर आपका आँख में कोई बीमारी है तो ये चेक भी करेगा और चश्मा भी देगा। और यहाँ पे देखिए ये पेट्रोल पंप है, यहाँ पे पुतला यहाँ पे भी लगा हुआ है, काफ़ी खूबसूरत पुतला। तो ये बिल्डिंग को देखिए कितना खूबसूरत बनाया है। और ये है हमारा केजीएन टेंट हाउस का को फाउंडर, नाम बताइए भाई अपना। एसआर एंटरप्राइजेस नाम है मेरा, अच्छा कंपनी का नाम एसआर एंटरप्राइजेस, लेकिन मेरे नाम से चलता है। अच्छा अच्छा, क्योंकि मैं शॉर्टकट पे बोलना चाहता हूँ, लॉन्ग कट नहीं बोलता हूँ। अच्छा ठीक है, पूरा ऑल इंडिया पे कहीं भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं हमसे, आपको कहीं भी टेंट मिल जाएगा पूरा ऑल इंडिया में, मेरा हर जगह ऑफिस है। विजिट करने के लिए आपको ऑफिस में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के थ्रू भी बुक करवा सकते हैं, आपको व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हम लोगों का जो है तो यहाँ सिलीगुड़ी मोड़ में काम नहीं हुआ है, यहाँ से जा रहे हैं हम लोग काम होगा। तो अभी आपको बताएंगे कि क्या काम से हम लोग आए हैं, आपको डायरेक्ट जाकर दिखाएंगे वहीं पे क्या काम से हम लोग आए हैं और क्या कर रहे हैं। तो चलिए फिर आगे जाके मुलाकात होगी। तो हम लोग फिलहाल अभी जहाँ पे हम लोग को आना था वहाँ पे आ गए हैं, पहुँच गए हैं और यहाँ हम लोग आए हैं, क्या बोलते हैं, रानी डेकोरेटर। और यहाँ हम लोग आए हैं, दिखाते हैं डायरेक्ट आपको क्या करने के लिए आए हैं। हम लोग यहाँ आए आ चुके हैं, हाँ इस लोकेशन में आए हैं। हम लोग अभी जस्ट ऑफिस में जाने वाले हैं, फिर उसके बाद आप लोगों को बताऊंगा क्या किस काम से हम लोग आए थे। ठीक है, दिखाऊंगा भी, हाँ दिखाऊंगा भी, क्या बोल सकते हैं किस काम से आए। तो हम लोग आए थे यहाँ पे देखिए ट्रेन का कपड़ा देखने के लिए, पसंद करने के लिए, क्योंकि वो
सरोज भाई जो है तो वो टेंट हाउस खोल रहा है, तो उसका कपड़ा देखने के लिए आए थे पसंद करने के लिए, सीलिंग का वॉल का, और ये लोग अंदर पसंद कर रहा है, देखते हैं अंदर हम भी। ये पूरा है तो हम लोग का माल तो पूरा माल होगा एक बार में, नया टेंट है ना, पूरा नया टेंट है, पूरा माल आया है। ये देखिए ये जो है तो ये ऑफिस है, ये दीपक भाई का ये ऑफिस है, इसमें टेंट का पूरा सारा सामान मिलता है, यहाँ पे अवेलेबल है। और हम लोग जो है तो एक टेंट हाउस ओपन करने के सिलसिले से यहाँ आए हैं कपड़े देखने के लिए, और कपड़ा देख लेते हैं और पसंद आएगा तो सोचेंगे, और नहीं तो फिर तो आगे देखा जाएगा क्या। उसके बाद कपड़ा अभी हम लोग पसंद ही कर रहे हैं, वॉल का सीलिंग का कपड़ा हम लोगों को पसंद करा रहा है, दिखा रहा है, ये आपको हर टाइप का कपड़ा मिल जाएगा। और हम लोग चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा क्वालिटी में कपड़ा लें, और अच्छा से अच्छा जब गांव में अगर टेंट सजाएं तो लोग भी क्या तारीफ करें कि हाँ टेंट सजाएं। कहीं दूर से भी आदमी आए, कहीं दूर से काम करके जाए हम लोग का, ठीक है। हम लोग पैसा कमाने के लिए हर काम नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग का टाइम है अभी नाम कमाने का, और हम लोग पैसा कमाने के बारे में सोचते तो ऐसा इतना हाई फाई क्वालिटी में हम लोग कपड़ा देखने नहीं आते, नॉर्मल से भी काम चलाते, लेकिन हम लोग इतना दूर दूर आए तो कुछ अच्छा ही करने के लिए आए। टेंट हाउस ओपन करने का सोच रहे हैं, तो हमारे चैनल में आप जुड़े रहिए, आपको हर एक अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है, ये पर्दा देखिए, ये पर्दा हम लोग को दिखा रहा है दीपक भैया हम लोग को पर्दा दिखा रहा है, इसी हम लोग आए हैं। ये वॉल के लिए ये पर्दा है, हम लोग देख रहे पसंद कर रहे हैं। कपड़ा तो वैसे बहुत पतला है, ये बोल रहा है कि मोटा माल अभी अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, बहुत जल्द आपके ऑर्डर के हिसाब से मंगा देंगे। तो ये आज ये ऑर्डर इसका आज ही आया है, इसीलिए हम लोग को दिखा रहा है। इनका पूरा ये बोरी में पूरा वही माल भरा हुआ है, ये दिखा रहे हैं। ये पतला माल है, तो आप लोगों को हम बता दिए कि हम लोग यहाँ क्या काम से आए हैं, और हम लोग तो इसी काम से आए हैं कि हम लोग टेन का कपड़ा यहीं पे स्टॉक करेंगे, खरीदेंगे, क्योंकि टेन हाउस जो ओपन करेगा तो उसका कपड़ा हम लोग यहीं से मंगवाएंगे। और यहाँ पूरा फर्श वगैरह हर एक चीज़ का यहाँ इंतज़ाम है, यहाँ मिल जाएगा आपको जो भी आपका टेन के लिए जो भी सामान चाहिए वो सारा सामान आपका यहाँ पर अवेलेबल है, आपको हर एक सामान यहाँ पर मिल जाएगा, कहीं पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे बहुत मुश्किल से नंबर ढूंढे और मिला, और पूरा एक गांव की तरह लग रहा है कि जहाँ हम लोग आए हैं, बिल्कुल शहर से थोड़ा सा बाहर है, तो कोई इतराज़ नहीं हम लोगों को फिर भी। तो चलिए फिर हम लोग यहाँ कपड़ा जो है पसंद कर लिए हैं, और यहाँ कपड़ा का ये प्राइस पूछ रहा है, कपड़ा का प्राइस वो बता नहीं रहा है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि ऑर्डर करने के बाद ही कपड़ा का प्राइस आपको बताएंगे, तो वो भी हो सकता है बढ़िया, लेकिन हम लोग यहाँ डिज़ाइन चूज़ कर ले रहे हैं। उसके बाद चलिए फिर मिलते हैं आगे तरफ। तो हम लोग यहाँ अभी आए हैं यहाँ लाइट वगैरह लेने के लिए, लाइट तार पंखा वो टेंट के लिए, और क्या बोलता है ये चूल्हा इस भी जिसमें खाना पकाता है केटर सब, उसके लिए ट्यूबलाइट है, जनरेटर है, डायनेमो है, ये सब लेने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं अभी। तो देखेंगे कि कितना क्या कीमत मिलता है, कैसा रेट भी हम लोग को मिलता है यहाँ पर। अभी तो रेट फाइनल नहीं हुआ, लेकिन अभी हम लोग सामान पसंद ही कर रहे हैं, सरोज भाई जो है जो काफ़ी सामान पसंद कर रहे हैं इधर, और सरवरदा लोग लगे हुए हैं सामान पसंद करने के लिए। तो अभी हम लोग फिलहाल आ गए हैं यहाँ बस स्टैंड के पास रायगंज, और यहाँ हम लोग जा रहे हैं अभी खाना वाना खाने के लिए, भूख बहुत लगी है, हमारे भाई साहब को भी काफ़ी भूख लगी है। आगे सामने गीतांजलि होटल है, हम लोग उसमें जाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर खाना वाना खा के फ्रेश होके आराम करके फिर निकलेंगे यहाँ से। अभी करीब 2 बजे है, हम लोग 3:30 बजे तक निकलेंगे होटल से। ठीक है, फिर उसके बाद आपको आगे का नज़ारा दिखाएंगे। चलिए फिर ठीक है। तब बस स्टैंड में देखिए बैनर बहुत सारा लगा हुआ है, काफ़ी बैनर लगा हुआ है यहाँ पे, और गाड़ी की तो कमी है ही नहीं है, रायगंज है ना, गाड़ी बहुत है, मिलेगी आपको यहाँ। बैनर देखिए कैसा कैसा बैनर लगा के रखा है, और गाड़ी का नज़ारा देख लीजिए एक बार आप, व्यू बहुत, ट्रक बस आपको हर चीज़ का गाड़ी अभी मिल जाएगा, जहाँ भी जाना है आपको यहाँ से गाड़ी पकड़ सकते हैं आप। यहाँ देखिए हर तरह का बस आपको मिल जाएगा, मालदा, फरक्का, मालदा, अररिया, सिलीगुड़ी मिल जाएगा। ये देखिए हमारा ये भाई साहब का पैर में दर्द लग गया है, काफ़ी ये परेशान है, चलने लायक नहीं है, लेकिन इसको किसी तरह तो ले जाना ही होगा। ये सामने है गीतांजलि होटल, उसी में जाएंगे। तो चलिए पहले खाते पीते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। हाँ, हम लोग गीतांजलि होटल में खाना पीना खा के अब निकल गए हैं, यहाँ से आराम से जाएंगे अब बस पकड़ेंगे, और उसके बाद कहाँ बल्लामपुर जाएंगे, बल्लामपुर टूर नहीं है, हाँ बस में हम लोग कुर्ती की तरफ जाएंगे। हाँ, फिर हम ना वहाँ से टोटो पकड़ेंगे। हाँ, जो अपना जो पर्सनल सवारी है। हाँ, पर्सनल सवारी। हाँ, देखेंगे यहाँ पे बस स्टैंड रायगंज बस स्टैंड, ये गीतांजलि होटल हमारे पीछे, ये देखिए।
हम लोग जो है तो अभी बस में बैठ चुके हैं यहाँ रायगढ़ स्टेशन में सिस्टम में, और बस स्टार्ट हो चुकी है लेकिन अभी बस खाली है, और भी पैसेंजर आएगा लेकिन आगे बैठाएगा वो, तो आगे जाते जाएगा बैठाते जाएगा, अभी फिलहाल खाली है, बहुत खाली है, तो चलते हैं फिर आगे का नज़ारा करते हैं, देखते हैं कि किस तरह का व्यू है हमारे बंगाल में, रायगंज बंगाल में। ये हमारे सर्वर था, ये जब देखा ये मुंडी का ये सर्वर था, ये हमारे सर्वर था, बात उठा के पूरा गीतांजलि होटल में फ्लिपकार्ट हो गया है, तो ये हमारे बॉस, ये तो पूरा गीतांजलि में खा पू पी के सो के आराम से दो तीन घंटा, कब अभी 3:30 बज रहा है तब जाके ये निकल रहा है। रायगंज बस स्टैंड का व्यू कुछ इस तरह से, फिजिक्स वाला के साथ रायगंज बस स्टैंड में इसका फिजिक्स वाला का यहाँ बोर्ड चिपका हुआ है, ये जो है तो राय इसने मालदा में अपना एडमिशन ये कोचिंग ओपन किया है, यहाँ पे आप ले सकते हैं कोचिंग कर सकते हैं, एडमिशन अभी ओपन चल रहा है, क्लास 9 से 12 क्लास तक यहाँ पे एडमिशन ले सकता है, ये मोबाइल नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर कॉल करके आप अपना एडमिशन ले सकते हैं, और साथ में देखिए बैनर VI का 99 रुपया 28 बंगला में लिखा हुआ है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं, और देखिए यहाँ सामने वीर सिंह का क्या है, क्या प्रचार कर रहा है, ये भी बंगला में लिखा हुआ है, टॉप टेक TMT बार रणवीर सिंह बोस इधर बैठा हुआ है, फोन में लगा हुआ है, कभी मुंडी तरफ बैग से देख लीजिए आप, ये बैग दिखा रहा है अपना, 99 प्लस का बॉर्डर यहाँ देख लिया, 99 रुपया में 28 दिन VI का सिम 200 MB, और साथ में हमारा ये बस रहा, और बस के साथ हमारा ये कस्टमर है, कैंडिडेट है, और उसके साथ हम भी यहाँ पे हैं, मेरा भी फोटो है, तस्वीर है इसमें। तो रायगढ़ बस स्टेशन से अभी हम लोग निकल चुके हैं अपना सिल्लीगुड़ी मोड़ की तरफ, ये रेलवे गेट सामने है, ये यहाँ पे गेट पार करेगा हमारा बस, हम भी यहाँ STC बस में सफ़र कर रहे हैं अभी, ये डायरेक्ट रुकी उठी नहीं है, कम रुकती है, और जल्दी पहुँचाने में काफ़ी हेल्पफुल बस है। बस स्टेशन में पीछे रह गया, हम यहाँ से निकल चुके हैं, यहाँ जो है तो बैनर का फैसिलिटी बहुत है, काफ़ी बैनर चिपका हुआ है, काफ़ी अपना अपना प्रमोशन प्रचार प्रसार में लगा हुआ है काफ़ी बैनर के साथ, हम बोले ना कि ये बैनर बहुत है, यहाँ पे बैनर देख सकते हैं आप, इधर भी देखिए बैनर लगा रहा है, एम एस धोनी यहाँ प्रचार कर रहा है बैनर, कुछ इस तरह से रायगंज का व्यू हमारे मोड़ का, और रोड के बारे में तो पूछे ही मत, काफ़ी हाई चॉइस, काफ़ी अति सुंदर, कैनन का प्रिंटर, लैपटॉप, कैमरा, यहाँ HP लैपटॉप, डेल लैपटॉप अवेलेबल है, तो चलिए आपको हम फास्ट फॉरवर्ड में दिखाने का प्रयास करेंगे, और टुने दिखी तक दिखाने का प्रयास करेंगे, देखते हैं क्या होता है रास्ते में। ये हो गया आपका रायगंज म्यूनसिपल, यहाँ पर लगा हुआ है, उसके बाद ये तो घर ही समझ लीजिए, इतना हो रहा है बोर्ड बार बहुत बड़ा प्रचार प्रसार बहुत लगाता है, ये लोग बंगाली है ना, मरवाड़ी है, MSD साहब, उसके बाद ये राम सा छोटा मोटा एक मॉल कर लीजिए इसको, और इधर तो आपका बार मिल जाएगा, यहाँ बार लिखा हुआ है, रायगंज काफ़ी अति सुंदर, देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल वंडरफुल, वीरेंद्र सहवाग किधर गया, ये तो दादा साहब है, मयूर स्कूल सिल्लीगुड़ी एडमिशन ओपन है, यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं आप, ये पे बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए लग्जरियस लिविंग, इतना बड़ा बिल्डिंग बना हुआ है, इसमें आप रूम रूम ले सकते हैं, वादा किराया जो भी है, ये स्टाइल बाजार मॉल, इधर भी मॉल है, इधर लाइव लेफ्ट साइड में स्टाइल बाजार का मॉल है, सामने आएगा आपका सिल्लीगुड़ी मॉल, जबकि सिल्लीगुड़ी मॉल सामने आएगा क्योंकि वहाँ वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, तो वहाँ हमको वीडियो नहीं बनाना होगा, क्यों, क्योंकि इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया वो वीडियो जो है वहाँ पे पुलिस स्टाफ जो मुझे पकड़ लिया, और पकड़ करके लेके चल गया ऑफिस में, बोल रहा है कि यहाँ वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, मुझे वीडियो को 7-7 मिनट डिलीट करना पड़ा वहाँ पे, तो इसलिए हम वहाँ कोशिश करेंगे कि चुपके से बनाए, लेकिन नहीं भी हो सकता है, इसके लिए क्षमा चाहेंगे आपसे। इस बिल्डिंग का कुछ व्यू इस तरह से देखिए, पेट्रोल पंप के पीछे काफ़ी सुंदर देखने में बिल्डिंग, ये तो नया बन रहा है, ये रह गया सिल्लीगुड़ी मोड़ आपका, यहाँ पे यहाँ वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, लेकिन अभी बस में है तो वीडियो तो बनेगा ही, भरोसा दिखता नहीं टिकता है। ये कौन सी रफी पे ना क्या हो, FT प्लस का एडमिशन ओपन फॉर WBC
SIS 2024 का कोलकाता। तो हाईवे का क्वालिटी तो आप लोग यहाँ देख ही सकते हैं, रायगंज से पूरी दिल्ली जाने में या सिलीगुड़ी जाने में क्वालिटी देखिए हाईवे का किस तरह है। ये डबल रोड बना दिया है, इतना मस्त बनाया है क्या बताएंगे। ये ममता बनर्जी काफ़ी खर्चा किया, देखिए नाम भी काफ़ी कमा रही है। बिल्लू होटल सामने है, अगर आप यहाँ पे ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए है मौका, बिल्लू होटल में खाना अपना पेट खा सकते हैं, जिंदगी गुजार सकते हैं।